हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनामिकाज कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ बिना गैस जलाए बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट स्वीट की रेसिपी। ये देखिए, लग रहे हैं ना स्वादिष्ट? जितने स्वादिष्ट देखने में लग रहे हैं उतने ही स्वादिष्ट खाने में भी हैं और झटपट से बन जाते हैं बिना गैस जलाए। एक बार आप ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, मैं अभी आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा बनाइए, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, ये देखिए। चलिए बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने बनाई है स्वादिष्ट बर्फी की रेसिपी, वो भी बिना गैस जलाए। तो आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए स्वीट। तो स्वीट बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे मिक्सी का जग, और इसमें ले लेंगे एक कटोरी चीनी। इस स्वीट को बनाने के लिए कोई भी एक कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर लें, उसी से नाप के आपको सब कुछ लेना है। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ले ली है, इससे नाप के ले रही हूँ एक कटोरी चीनी। और चीनी को हमें पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। पीस देते जल्दी से। तो ये देखिए, मैंने पीस लिया चीनी को, चीनी अच्छे से पीस गई। बिल्कुल बारीक पाउडर हमें बना लेना है, फाइन पाउडर, ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें डाल देंगे हम एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा नारियल का बुरादा होता है ये। और अब हम डाल देंगे इसमें 10 से 12 काजू, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और फ्लेवर आएगा। और साथ ही मेवे जैसे फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे इसमें आधा कटोरी मिल्क पाउडर। कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं आप, डेरी वाइटन ले लें, स्किम्ड मिल्क पाउडर ले लें, कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को भी अच्छे से हमें फाइन पाउडर बना के पीस लेना है। ये पीस लेते हैं। ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने मिक्स करके इस तरीके से बारीक पाउडर बना लिया। ये देखिए, तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लिया मैंने। यहाँ पे मैं काजू का फ्लेवर दे रही हूँ, इसलिए मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर एक दो बूंद केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम ले लेंगे एक बोल, और इसमें ये जो हमने पाउडर बनाया सारा डाल देंगे। बोल में मैंने सारा ये जो हमने पाउडर बना के रखा है वो मैंने ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो दूध ठंडा ही ले, फ्रिज का दूध ले, या फिर आप रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। ठंडा ठंडा दूध लेंगे तो रेसिपी अच्छी बनेगी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालेंगे और इस मिक्सर को मिक्स करेंगे। दूध एक साथ नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है, थोड़े थोड़े ही डालना है, इसे मिक्स करना है। 5 मिनट भी नहीं लगते और ये हमारी स्वीट बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही झटपट से बनती है और बहुत स्वादिष्ट बनती है। एक बार आप बना के ट्राई करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो भी सामग्री मैं ले रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप देख सकते हैं वहाँ से मैंने क्या लिया है, कितना लिए। ये देखिए, इस तरीके से मैश करते हुए हम इसे मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे। ज़्यादा दूध नहीं लगता है इसमें, 2 से 3 चम्मच ही दूध लगेगा। ये देखिए, मैंने आधी कटोरी दूध लिया, मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितना दूध मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच दूध डाला है और ये कंबाइन होने लग गया। बस इतना ही हमें दूध डालना है कि इकट्ठा होने लग जाए। ये देखिए, बाकी दूध बचा ही है अभी, मैंने आधा कटोरी दूध लिया था तो इसे 2 से 3 चम्मच दूध ही यूज़ किया है। तो चलिए ये हमारा तैयार हो गया। अब हम ले लेंगे एक कंटेनर, कोई भी कंटेनर, थाली आप सेट करने के लिए ले सकते हैं। मेरे पास अभी ये कंटेनर था, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम ग्रीस कर देंगे। जो भी आप कंटेनर यूज़ करें उसे अच्छे से ग्रीस कर दें, घी लगा दें या तेल लगा दें। मैंने यहाँ पे देसी घी से इसे ग्रीस कर दिया। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो मिक्सचर हमने बना के रखा है, सारे इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, सारा मिक्सचर मैंने इस कंटेनर में डाल दिया। अब हम इसको ऊपर से बराबर कर देंगे। स्पून अगर चिपक रहा है तो हम दूसरा स्पून ले लेंगे, हम दूसरा स्पून ले लेंगे और उस पर लगा देंगे अच्छे से घी ताकि चिपके ना, और इसे बराबर कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए, मैंने सभी तरफ से इसे बराबर कर दिया। तो चलिए इसको अब 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ठंडा होकर अच्छे से सेट हो जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो ये लीजिए, हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो गए। ये देखिए, अच्छे से सेट हो गए। तो चलिए इसको इसमें से निकाल लेते हैं, हल्का सा टैप करेंगे, और बहुत ईजली ये निकल के आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा बना हमारा स्वीट बन के तैयार। अब हम मनचाहे आकार में काट लेंगे, तो मैं आज स्क्वायर शेप में ही काटूंगी इसको। ये देखिए, आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा बना है हमारा स्वीट। फिर इसको हम घुमा के यहां से भी कट कर लेंगे। ऊपर से हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आधा आधा बादाम काट के इस तरीके से लगा दूंगी।
तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इजी इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। तो मिलते हैं ऐसी इजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।